तो हेलो गाइस, मैसेल मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे मैजिक रेलम में ये खबर फैल चुकी होती है कि ईस्टर्न मैजिक की तरफ से एक नॉन मैजिशियन इस टूर्नामेंट में डिवाइन विजनरी बनने के लिए पार्ट ले रहा है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि मैस डॉट और अबायस 15 घंटे से पत्ते खेल रहे होते हैं, लेकिन उनमें से अभी तक कोई जीत नहीं रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे फिन आता है, जो मैस से कहता है, मैस मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है, जल्दी से बाहर आओ। फिर तभी वो सब जब बाहर देखते हैं, तो वहाँ पे कई सारे लोग आ चुके होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि मैस को हमें दे दो, मैस को इस टूर्नामेंट में मत खिलाओ। मैस को मैजिक नहीं आता, लेकिन तभी भी उसे इतने बड़े मैजिशियंस के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। मैस को लॉ के हिसाब से इस टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेना चाहिए। वही मैस को देख के उन सब लोगों को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं कि मैस को इस टूर्नामेंट से बाहर करो। मगर तभी वहाँ पे लेमोन आती है, जो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज सब शांत हो जाओ, पहले तुम मेरी बात सुनो। तो वही लेमोन कहती है, हाँ माना कि उसे मैजिक नहीं आता, लेकिन उसके अलावा उसने किया क्या है? क्या सच में हमें उन्हें जज करना चाहिए कि उन्हें मैजिक आता है या नहीं, कि उनके पास कितनी मैजिक स्किल है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, उसे मैजिक आता ही नहीं है, भगवान ने उसे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है। और वैसे तुम कौन होती हो उसके लिए बोलने वाली? तुम जैसे आउटसाइडर को बाहर ही रहना चाहिए। पर तभी लेमोन कहती है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं हूँ मैस की वाइफ। लेकिन वो यही नहीं रुकती और कहती है, हम बल्कि एक सोलमेट की तरह है, हमें भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया है, और अगर आप लोगों को इससे प्रॉब्लम है तो मुझसे आके लड़ो। लेकिन तभी हम डॉट को देखते हैं, जो कहता है, मैं मैस के तरफ से उसका एजेंट बन के उसका स्क्रिप्ट पढ़ने आया हूँ। फिर वही वो कहने लगता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं आप लोगों की तरह एक अच्छा मैजिशियन नहीं हूँ, और मैं मैजिक भी नहीं यूज कर सकता, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, गो टू हेल। तो डॉट की ये बात सुन के पूरी जनता बहुत गुस्से में आ जाती है। एंड वही हम डॉट और लेमोन को देखते हैं, जो पूरे गुस्से में उन लोगों से लड़ रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते कि उन लोगों में से एक पर्सन लेमोन के ऊपर पत्थर फेंक देता है। तो ये देख के मैस बाहर जाने लगता है, पर तभी लेंस उसे कहता है, तुम बाहर मत जाओ, अगर तुम बाहर गए तो तुम पे खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम लेमोन को देखते हैं, जो कहती है, अगर आप उसे इसलिए पनिश कर रहे हो क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है, तो आप लोग मुझे भी पनिश करो। आप लोग मुझ पे कितने भी पत्थर फेंको, लेकिन मैं इस पे भरोसा करती हूँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी ये बात सुन के मैस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों में से एक पर्सन कहता है, अगर मैंने एक डिवाइन विजनरी को मारा तो लोग मेरा नाम जानेंगे। तो फिर वो कहता है, देखो ये उस लड़की की मदद कर रही है, तो हमें इसे भी मारना चाहिए। इसके बाद फिर सारे लोग लेमोन के ऊपर पत्थरें फेंक देते हैं। मगर तभी हम देखते कि वहाँ पे मैस आता है, जो उन पत्थरों को एक ही बारी में रोक देता है। तो उसे वहाँ पे देख के सारे लोग कहते हैं, है देखो यही वो मैस है, हमें इसे मार देना चाहिए। जिसके बाद वही वो पर्सन कहता है, ये बहुत ही कमजोर है, मैं इसे अपने मैजिक से खत्म कर सकता हूँ। तो अब वो अपने मैजिक से मैस को एक वॉल के अंदर कैद कर देता है, और वो सारे लोगों से कहता है, ये वॉल बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इससे हम एक डीमन को भी पकड़ सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि मैस उस वॉल के अंदर से अपनी उंगली बाहर निकालता है। तो ये देख के वो पर्सन बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर तभी मैस अपनी उंगली से उस दीवार के अंदर छेद करने लगता है, जिससे कि वहाँ पे वो एक दरवाजा बना देता है और उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते कि मैस उस वॉल को उठा के उसी पर्सन को उसी की वॉल के अंदर कैद कर देता है। तो ये देख के वो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो अब मैस उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि ये सब आप सबके लिए ठीक नहीं है, आप सबको अच्छा नहीं लग रहा होगा एक ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करना जिसके पास मैजिक नहीं है, शायद से आप सब इस डिफरेंट चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पर मैंने कड़ी मेहनत करके इस मैजिक एकेडमी में टॉप किया है, और मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि मैजिक ना होना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं इसकी ये बात सुन के वो सब लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे आता है वेलबर्ग। फिर वेलबर्ग उन सबसे कहता है, माफ करना मुझे, लगता है मेरा डिसीजन
आप सबको पसंद नहीं आया, पर वही विल्बर्ग को मैस के साथ देख के सब लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। एंड वही विल्बर्ग उन सबसे कहता है फाइनल एग्जाम अभी बहुत ही करीब है, जिस वजह से हमें कुछ नए डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, तो आप सब थोड़ा सब्र रखें। तो विल्बर्ग की ये बस उनके सब लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं। फिर विल्बर्ग मैस से कहता है, मैस मुझे आज ये देख के खुशी हुई कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। और वही मैस भी कहता है, मुझे स्कूल से बहुत कुछ मिला है, इस वजह से मैं ये फाइनल बैटल जीत के ही रहूंगा। तो विल्बर्ग कहता है, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे जो सपोर्टर्स है उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तो इसीलिए D1 विजनरी बनना है तुम्हारे पास एक आखिरी चॉइस है। और वही लेमन भी ये बात सुनने के बाद कहती है, हाँ फिर इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि रात में एक पर्सन किसी के ऊपर अटैक कर देता है और उस पे अपना मैजिक यूज कर रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे दो D1 विजनरीज आते हैं जो उस पर्सन से कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, रात को यहाँ पे घूमना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा हादसे हो रहे हैं। फिर तभी वो पर्सन खड़ा होता है तो उसे देख के वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, मगर हम देखते कि वो पर्सन उन दोनों अटैक से बच जाता है। पर तभी भी वो उस पर्सन पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते कि वो पर्सन अपने मैजिक को यूज करके कई और ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो ये देख के वो D1 विजनरी सोचता है, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, अगर होता तो ये अब तक मर चुका होता। फिर वही वो बंदा सोचता है, दो D1 विजनरी से लड़ना ये तो बहुत खतरनाक होगा, जिसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है और हवा में उड़ने लगता है। तो वही फिर रेनेडस उसे देख के कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, तुम एक साथ अटैक और डिफेंस नहीं कर सकते हो। तो उसकी ये बस उनके वो पर्सन कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने एक ही बार में मेरे अटैक्स को समझ लिया। मगर तभी हम देखते कि वो पर्सन अपना मैजिक यूज करके रेनेडस के हाथ को और दूसरे पर्सन के पेट को काट देता है, मगर ये रेनेडस का इल्यूजन होता है, जिसके बाद वो उस पर्सन के पीछे आ जाते हैं और अपने मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो पर्सन इन दोनों अटैक से बच जाता है। तो ये देख के रेनेडस और उस पे अटैक करने लगता है। फिर जैसे कोरा हटता है तो वो लोग देखते कि वो पर्सन वहां से भाग चुका है। तो वही रेनेडस सोचता है, वो हमारे इतने खतरनाक मैजिक से बच गया, इसका मतलब वो पर्सन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है और वो होता है डोमिना। तो अब हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि डोमिना जब पैदा हुआ था तो उसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिक था, जिससे कि वो अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता था। और उसके साथ और एक बच्चा पैदा हुआ था जो था मैस बर्नेड, वो बस 5 महीने का था। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि डोमिना की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके पास जो भी जाता है वो मारा जाता है। और इसी बीच हम मैस को भी देखते हैं, जिसके पास कुछ भी मैजिक नहीं होता, लेकिन वो कारपेंटरी बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये देख के उनकी दादी कहती है, मुझे लगता है कि तुम बड़े होके एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर बनोगे। और वही जो डोमिना था वो बचपन में समझ चुका था कि उसकी पूरी जिंदगी अपने पिता की सेवा करने में ही चली जाएंगी। लेकिन एक दिन डोमिना ने अपने आप से पूछा, ये बच्चा जिसके पास कुछ भी मैजिक नहीं है उसे मेरे जितना ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। जिसके बाद डोमिना अपने मैजिक से मैस के ऊपर अटैक कर देता है, पर वही मैस डोमिना के हर अटैक से बच जाता है। तो ये देख के डोमिना भी समझ जाता है कि मैस मेरे अटैक को इतने आसानी से डॉज कर रहा है, इसका मतलब ये भी मेरे जितना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मगर तभी कुछ हफ्ते बाद ही मैस गायब हो जाता है। तो डोमिना ये देख के सोचता है, जब तक मैस नहीं मरेगा तब तक मुझे अपने डैड का अटेंशन नहीं मिलेगा। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर डोमिना सोचता है, मैं उसी दिन सेटिस्फाई होगा जब मैं मैस को अपने हाथों से मारूंगा। तो अब हम फाइनल एग्जाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग अपने अपने टीम के साथ आ चुके होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।